नमस्कार, मैं हूं योजन उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का बयान, वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त हो कार्रवाई। जब तक वसीम जेल नहीं जाएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग जुमा को दिल्ली के जामा मस्जिद में भी प्रदर्शन करेंगे। शिया और सुन्नी समुदाय के लोग मिलकर दिल्ली के जलसे को कामयाब बनाएंगे। अगर कहीं भी कोई बवाल होता है तो इसका जिम्मेदार वसीम और दोनों हुकूमत होंगी। ये दुश्मन है, दुश्मनता का तो बेनिफिट है, लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा चल के इसको जेल में भेजना चाहिए। 153 10 महीने से किसी साहब को लगी थी, किसको लगी थी? गवर्नमेंट ने शर्जील दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था 153 ए में, इस पर 10 महीने से लगी हुई, आप तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों नहीं पकड़ा गया इसे? इसकी वजह से इसकी इतनी हिम्मतें बढ़ रही है कि अस्पताल पर हमला कर रहा है। तो अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आप समझते हैं गवर्नमेंट मोबाइल हटा लो भाई, कुछ पढ़ाई करी मोबाइल वहाँ का कौन है, क्या करना है भाई? गवर्नमेंट भी है और ये तमाम हम लोग को न्यूज चलानी, क्या कुछ बातें रखी गई हैं, गिरफ्तार करना चाहिए इसको, क्या कुछ बातें। सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि खारिज किया जाए और इसको भारी जुर्माना लगाया जाए, जिससे मिसलीड किया है और पूरे हिंदुस्तान को जो है वो एक आतंक पे फैला दिया, पूरा हिंदुस्तान में आतंक फैला दिया इसने। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त कार्रवाई करे, हुकूमत 153 ए में पहले भी हो चुकी है दोबारा फिर करे और इसको जेल भेजे। और जो उसने गबन किए हैं बोर्ड में अरबों अरबों रुपए के, सीबीआई इसकी रिपोर्ट है, सीबीआई जारी है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है।